दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा उन लोगों का है जिनसे देश और दुनिया उम्मीद करती है कि हम अपनी कुछ सीमाओं से ऊपर उठकर बात करें। आज मुझे निराशा हुई कि बार बार स्वास्थ्य की दुहाई देते देते राजनीतिक बातें होती रही। वही कटुता दिखाई पड़ी जिस कटुता की मैं उम्मीद नहीं करूंगा, इसलिए मैं आज बिना राजनीतिक बात किए हुए एक घटना की चर्चा करते हुए यहां पर आता हूं। यह घटना इस सदन के लिए एक सूचना भी है, एक चुनौती भी है और एक प्रेरणा का भी काम करेगा। किस प्रकार से हमारी छवि को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब करने की कोशिश हुई, कोविड के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा। भारत के तमाम चिकित्सकों ने, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तानियों की रक्षा की। उस दौरान, चूंकि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता था, आज उस पत्रिका का नाम लिया गया, मैं उस पत्रिका का नाम भी लेना नहीं चाहता था। यद्यपि वह पत्रिका 175 ईयर्स पुरानी है और मेडिकल क्षेत्र की एक अच्छी पत्रिका मानी जाती थी, मैंने थी शब्द का उपयोग इसलिए किया कि हमें गौर से उसके चरित्र में हुए परिवर्तन को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, मैं उस नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने लैंसेट मैगजीन के एक आर्टिकल को, एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिस लैंसेट मैगजीन ने भारत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा किया। आप कर सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है और आपको करना चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग, लेकिन देश की संप्रभुता के सामने अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व नहीं रह जाता है। आपने जिस पत्रिका के, आठ में 2021 को लैंसेट ने एक संपादकीय लिखा, उस संपादकीय में आलोचना करते हुए भारत सरकार के कोविड मैनेजमेंट की आलोचना की। वो लैंसेट मैगजीन क्या है यह मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं, जानने के बाद आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। माननीय सदस्य, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, प्लीज बोलने दीजिए। चीन ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 2010 में किया था। 2010 में लैंसेट मैगजीन में चाइना ने, वही कम्युनिस्ट चाइना ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। लैंसेट पत्रिका, प्लीज उपसभापति महोदय कृपया मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। उस लैंसेट मैगजीन की जो साउथ एशिया की संपादिका है, हेलेना वांग, वो चीन की नागरिक है। संपादकीय चीन की नागरिक कोविड मैनेजमेंट पर भारत पर लिखता है और भारत के एक प्रमुख विपक्षी पार्टी उसको रीट्वीट करता है। यह विपक्षी पार्टी का उद्योग। मैं अब उससे आगे जो बात मैं कहना चाहता हूं, अभी अपने प्राइवेट मेंबर बिल को रखते हुए मनोज झा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात में राजनीति आ गई। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस एक बड़ा क्षेत्र है और इंश्योरेंस की चर्चा की, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं।
इस देश में 20-25% लोगों को इंश्योरेंस मिलता रहा है, और 30-40% लोग वो हैं जो इंश्योरेंस कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। उनको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मिसिंग मिडिल कहते थे, बीच के हुए लोग जो इंश्योरेंस तक नहीं पहुंच पाते थे। भारत को आजाद हुए 2014 में कितने साल हुए उसे गिनाने की जरूरत नहीं है। वो मिसिंग मिडिल के आंकड़े हमने नहीं बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आते ही क्या किया, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य हुआ है, 4 व्यक्तियों का परिवार साल में 12,000 रुपये पर डे 8 रुपया देकर 50,000 से लेकर 10 लाख का कवर जिस व्यक्ति को दिया गया है, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं शायद उसको इसका मतलब उन्हें मालूम नहीं होगा, जो गांव में रहे हैं, जिनके पड़ोस में गरीब रहा है, जो स्वयं गरीबी की यात्रा से यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें उस इंश्योरेंस का मतलब मालूम है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस प्राथमिकता का मतलब मालूम है। इसलिए जनता जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको दिल से हर जगह आशीर्वाद देती है। सभापति उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10.9 करोड़ परिवार, 10.9 करोड़ फैमिली, 49 करोड़ इंडिविजुअल्स को इस इंश्योरेंस के अंतर्गत लाया गया। उन लोगों को कष्ट हो रहा है जो 1971 में गरीबी से हटाओ का नारा दिए थे, गरीबी बनाकर गरीबी हटाओ का नारा देते रहना चाहते थे। हम उन गरीबों तक इंश्योरेंस लेकर तक पहुंचे हैं जो शहरों तक था, अमीरों तक था, हम गरीब के कुटिया तक पहुंचे हैं। केरल से कन्याकुमारी तक इंश्योरेंस दी जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है। और उपसभापति महोदय, मुझे लगता है संवाद, भारत संवाद का देश है, भारत एक संवाद का देश है। मेरी बात को किसी को खारिज करना हो, आपको समय मिलेगा मेरी बात को खारिज करने का। हम वह काम ना करें जो टीवी चैनलों पर होता है, हम अपनी बात कहें। जो बात आपको अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, जो खराब लगता है अपने भाषण में खारिज कीजिए। मनोज झा जी बोल रहे थे, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। उपसभापति महोदय, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने से पहले सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। एम्स का कर्तृत्व और एम्स की गुणवत्ता पर पूरा देश गर्व करता है। मैं राजकुमारी कौर जी को याद करना चाहता हूं जो स्वास्थ्य मंत्री थे। 1946 में इंडिया हेल्थ सर्वे ने यह अनुशंसा की थी कि भारत में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 1946 में हुआ और 1956 में एम्स की स्थापना हुई। 10 साल तक राजकुमारी अमृत कौर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड और फोर्ड फाउंडेशन का चक्कर लगाती रही, धन इकट्ठा किया नीदरलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फोर्ड फाउंडेशन से, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना। इसे राजकुमारी अमृत कौर को सिर्फ क्रेडिट जाता, श्रेय जाता है, उन्होंने एम्स की स्थापना की। लेकिन जो एम्स 56 में बना, अटल जी की सरकार ने 6 एम्स की स्थापना की, सरकार चली गई, उसको पूरा बाद में हुआ, लेकिन 7 एम्स, 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2014 तक रहता। 2014 के बाद हम 2022 में, अभी प्रधानमंत्री जी ने देवघर में 16 में एम्स की का उद्घाटन किया। 7 से 16 एक एम्स पर इस देश, यह देश 1956 से लेकर अटल जी की सरकार बनने तक थी,
सात एम्स जो अटल जी के समय में 6 एम्स बने, वहां देश स्थिर हो गया। स्वास्थ्य की बात करते हैं, और 16 एम्स हमने बना दिया 14 से 22 तक में, और हम दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं, तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं होगा। किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही राजधानी में अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज होगा। ये राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है? उपसभापति महोदय, किसी देश में जिस बात की चर्चा होनी चाहिए इस सदन में, WHO का एक पैमाना है कि 1000 लोगों पर कम से कम एक चिकित्सक होना चाहिए। लेकिन यदि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पैदा ही नहीं होंगे तो डॉक्टर आएंगे कहां से? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, उन्होंने उन सभी बारीकियों से उन बातों को देखा कि आखिर कमी कहां है। हम बार बार स्वास्थ्य करते हैं, यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 10 लाख करोड़ भी खर्च कर दें तो डॉक्टर रात को पैदा कैसे ले लेगा? इस देश में कितने चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं? 51,000 छात्र 2014 से पहले थे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होता था 51,000 MBBS में, उसकी संख्या 2017 में 67,000 हो गई और 2022 में 90,000 हो गई। हम WHO के उस आंकड़े को पार कर गए जिसमें कहा था एक डॉक्टर 1000 पर होना चाहिए, 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए, 1.33 डॉक्टर्स 1000 पॉपुलेशन पर हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी सरकार 2025 आते आते हिंदुस्तान में उस आंकड़े पर पहुंचेगी, 3 डॉक्टर 1000 लोगों पर होगा। जो अमेरिका का आंकड़ा उसे हम पार करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े के बराबर होंगे, पूरी दुनिया उसको देखेगी। बुनियादी सुधार की जरूरत होती है समाज में परिवर्तन के लिए। समाज में परिवर्तन के लिए नारों की जरूरत नहीं होती है। नारों को तो हमने, जिस समाजवाद की बात आप कर रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने 1948 से उस समाजवाद को देखा। कभी आबादी कांग्रेस में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कभी वेलफेयर स्टेट, कभी गरीबी हटाओ, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए दौड़ते थे, चिकित्सक नहीं होता था। हमने उसकी संख्या 1.33 डॉक्टर्स पर 1000 कर दिया। आने वाले समय में वो संख्या हम कहां पहुंचाएंगे इसकी आप कल्पना कीजिए। ये यस, यह राइट टू हेल्थ नहीं तो और क्या है? अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उठाया गया। उपसभापति महोदय, इस देश में एक स्वास्थ्य जुड़ाव बड़ा एक छोटा सा प्रश्न है जिसको यहां की सरकारों ने, यहां की व्यवस्था ने उपेक्षा की। उन्हें विकलांग कहा जाता था। स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने उस शब्दावली में परिवर्तन किया, विकलांग की जगह दिव्यांग कहा, और जो एक्ट लाया गया राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 लाया गया, 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों को उसका फायदा हो रहा है। जो मुट्ठी भर लोग, भगवान न करे किसी के परिवार में दिव्यांग आए, लेकिन दिव्यांग आता है तो भारत का समाज तो उसका स्वागत करता है, अपने बच्चे को उसी तरह से पालता है, बल्कि उससे ज्यादा महत्व के तरीके से पालता है। भारतीय राज्य ने परिवार व्यवस्था में जैसे एक दिव्यांग को महत्व दिया जाता है, वही महत्व भारतीय राज्य व्यवस्था ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद दिया। एक दिव्यांग की आज हिंदुस्तान में आप स्थिति देखिए, पूरे दिव्यांगों का आप सर्वे करके जाइए, आप 4 दिव्यांग से मिलकर आइए कि आज भारतीय राज्य ने 2014 के बाद उनको कौन सी सुविधाएं दी हैं, कौन सा महत्व दिया है, कौन सा सम्मान दिया है। इन सभी प्रश्नों को लेते हुए जो एक दूसरा सवाल उठता है उपसभापति महोदय, कि हेल्थ केयर में जैसे जैसे हमारी जीवन पद्धतियां बदल रही हैं, वैसे वैसे बीमारियों का स्वरूप बदल रहा है। एक सरकार को संवेदनशील होना पड़ता है, उसकी दृष्टि दूर की होनी चाहिए,
उसे सूक्ष्म रूप में चीजों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। वो सूक्ष्म रूप से यदि आप नहीं देखेंगे, उपसभापति महोदय, रेयर डिजीज, ऐसी बीमारियां जिसका नाम भी हम बोल नहीं सकते हैं, जिसका नाम ढूंढना पड़ता है, लेकिन आप गांव जाइए कि शहर जाइए, ऐसे रेयर डिजीज वाले लोग मिल जाएंगे। उनको क्या सुविधा थी? ये डिजीज कभी अमेरिका में होता था, कभी यूरोप के देशों में होता था, इन डिजीज का भारत में आगमन हो चुका है और इसकी अच्छी खासी संख्या पिछले 25 सालों से रेयर डिजीज के लोग दम तोड़ते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज 2017 में बनाया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं एक दियारा क्षेत्र गया था। दियारा क्षेत्र वो होता है जहां नदी के कटाव के कारण लोगों की फसलें, एक ही फसल हो पाता है, जहां घर सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य की बात आप क्या करें, मुझे ऐसे रेयर डिजीज के 3 पेशेंट्स मिले और तीनों के चेहरों को मैंने चेहरे को देखा, वो खुशी थी कि आज राज्य उनकी इस परिस्थितियों में उनके सामने आ रहा है। जिस संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं, यदि नेतृत्व में वो संवेदनशीलता होती है तो राज्य की व्यवस्था वैसे ही काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी संवेदनशीलता के साथ उन सूक्ष्म चीजों को देख रहे हैं जिसे आप 70 साल तक नहीं देख पाए, क्योंकि ना आप में संवेदनशीलता थी ना दूरदृष्टि थी। उपसभापति महोदय, हमारे देश में एलोपैथिक मेडिसिन आने से पहले अपनी इंडिजीनियस मेडिसिनल व्यवस्था थी, अपने स्वास्थ्य की एक व्यवस्था हुआ करती थी। आप ट्राइबल क्षेत्र चले जाइए, जो मेडिसिन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऐसे हजारों मेडिसिनल प्लांट्स की वो रक्षा कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको रख रहे हैं। आप गांव चले जाइए, मेडिसिन की उनकी अपनी एक परंपरा थी, उस व्यवस्था और परंपरा के अनुसार जो आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने किया, और जिस प्रकार से आयुर्वेद के महत्व को और आयुर्वेद के महत्व के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या बढ़ाई, 47 नए आयुर्वेद यूनानी कॉलेज की स्थापना की, लगभग 42,000 सीट वहां पर है और 4,000 यूनानी के सीट्स बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक व्यापक परिवर्तन 2014 के बाद आया है, वह परिवर्तन हमने तब देखा जब 100 साल के बाद इस देश पर आपदा आया, जो मेरे साथी कहते हैं और दुनिया को संदेश देने जाते हैं कि भारत ने आपदा के मामले में विफलता पाई। वे भूल जाते हैं कि पहली बार आपदा के समय में नेतृत्व ने आपदा से लड़ाई को जन युद्ध बना दिया। चिकित्सकों का उत्साह, चिकित्सकों का साथ देने वाले लोगों का उत्साह और आम लोगों की ताकत ने कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी के हर अपील को स्वीकार किया। आज हम सुरक्षित हैं, इसका कारण है कोविड वैक्सीनेशन। ये कोविड वैक्सीनेशन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इसका विस्तार से बताएंगे, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन में हमने सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम का नारा को वास्तव में उलट को व्यवहार में लाते हुए देश और देश से बाहर वैक्सीनेशन किया। आज हिंदुस्तान में जो कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है, जाकर अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूरोप के देशों को देखिए, इतने 140 करोड़ के 130 32 40 करोड़ के देशों को, जहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुनियादी परिवर्तन आ रहा है, उस बुनियादी परिवर्तन का अभिनंदन करना चाहिए। व्यवस्था में जो कमियां होंगी उसका सुझाव देना चाहिए। रचनात्मक सुझाव लोकतंत्र में स्वीकार होता है, लेकिन रचनात्मक सुझाव देने की जगह यदि विध्वंसात्मक सुझाव देते हैं, यदि देश की छवि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप खराब करते हैं, तो आप में और लैंसेट में कोई अंतर नहीं रह जाता है। कृपया लैंसेट का अनुकरण ना कीजिए। देश में पानी के भरे हुए ग्लास में आप देखना चाहते हैं आधा है या खाली है, उस फ्रेज को देखिए। और मुझे लगता है इस देश को प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपसभापति महोदय, मेरी दादी, मेरी मां जिन परिस्थितियों से गुजरी थी, उस परिस्थिति से हमारी बेटियां ना गुजरें, इसकी चिंता एक प्रधानमंत्री ने की है।
सेनेटरी नैपकिन का नाम हमने सुना होगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि जाकर दुकान से ले आओ, और मेडिकल शॉप से मैं लाए बिना लौट गया चूंकि वहां लोग खड़े थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था लेकिन साहस नहीं हो पाया। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं इस घटना की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में लाल किले से जब कहा हम अपनी सभी बहन बेटियों को सैनिटरी नैपकिन पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री जी का इस कथन पर मैंने अपने चार वामपंथी महिला मित्रों से पूछा, इनसे लगातार मैं संवाद में था, वो हमारी आलोचना करती रहती थी। उन्होंने कहा